हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन। द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ अ सेल हुज ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन गिवन है आपके पास, जिसका चेंज इन ईएमएफ विद टेम्परेचर आपको गिवन है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे 1.5 × 10⁻⁴ वोल्ट केल्विन इनवर्स एट 298 केल्विन। आपको इन द एंड क्या बताना है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आपको जो चेंज इन एंट्रोपी हुई है आपको वो बतानी है जूल केल्विन इनवर्स में, जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले चेंज इन ईएमएफ वर्सेस एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इसका रिलेशन बता देता हूँ आपको। तो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो बताओ चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा जीरो, तो वी इंटू डीपी ये कितना हो गया जीरो, तो डीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एसडीटी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है चेंज इन एंट्रोपी, आपको क्या पढ़ना है चेंज इन एंट्रोपी। अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी पढ़नी है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी, तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी इंटू डीडी। ध्यान से देखिए, चेंज इन एंट्रोपी का यहाँ से रिलेशन आ जाएगा माइनस डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डीडी। ठीक है, अब मुझे बताइए डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा जी होती है माइनस एन एच ई सेल, होता है नहीं होता है, होता है ना, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा एस, यहां से डेल्टा एस क्या आ जाएगा डी ऑफ एन एफ ई सेल अपॉन डी टी। अब देखिए एन और एफ क्या है कॉन्स्टेंट, तो बाहर निकाल दो, तो डेल्टा एस यहां से क्या बन जाएगा, डेल्टा एस बन जाएगा एन इंटू एफ डी ऑफ ई सेल अपॉन डी टी। मतलब बताइए ये वैल्यू क्या है, चेंज इन है चेंज इन ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये क्या है चेंज इन ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी दी आपको 1.5 × 10⁻⁴। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो चुका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस सेल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन को स्टडी करोगे आप तो देखो पीबी जीरो से कहा जा रहा है प्लस टू में जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया टू का हो गया, 2 × 96,500 कूलम इंटू चेंज इन ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना दिया है 1.5 × 10⁻⁴। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 28.95 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।